कहाँ से हैं? कठौतिया, ये कहाँ पड़ता है? कवर्धा जिला से लगा हूं। ठाकुर जी के कहा, बड़े प्यारे हैं आपके ठाकुर जी। इन्होंने कुछ खाया है सुबह से? क्या खाया? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, दोनों ठाकुर बालाजी की तरफ। श्री खाया है। अरे वाह, अब ये आप ले लो, हमारे जी रखवा दें क्या वहां पंडित जी? हाँ, रामलला भी आ गए, अब कृष्णलला भी आने वाले हैं, समझ जाओ। बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। हम माइक से बोल सकते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे जो आपको बुरा लगे, ताकि सबको सुनने में आवे। माइक आप भी ले लो। राम, पहली हमें आपकी अर्जी लगाई, भक्ति बढ़ेगी, कृपा हो जाए। दूसरी अर्जी, भूत बाधा से परेशान है, पूरे शरीर में दिक्कत बनी, कंपन होता है, गंदी हरकत करता है प्रेत, पूरे शरीर को जकड़ लेता है, सवारी आती है, एवं कैरियर की अर्जी तीसरी लेकर के आई है, क्या जॉब मिलेगी अथवा नहीं, मन विचलित हो गया है, प्रेत हट जाएगा, वह परेशान नहीं करेगा, वह आगे आप जॉब योग पा पाएंगी, 2025 में 9वें महीने तक आशीर्वाद है। ये आपकी अर्जी एकदम सही। और जो तुमने कहा था कि तुम्हारी भक्ति स्वीकार है, या भक्ति में दम है, या हनुमान जी हैं, या वो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, या केवल बड़ों की सुनते हैं, या केवल हमारी नहीं सुनते, क्या हम इतने अपराधी हैं, ये जो तुमने पूरे मुंह चलाए थे, ये तुम्हारे मुंह भी बेफिजूली के हैं। और जो तुमने पर्चा फाड़ा था, चिट्ठी लिखी हुई पर्चे में फाड़ी हुई थी, जिसमें आपने अपने प्रश्नों को लिख करके रखा था कि अब जो तुम्हें करना हो सो करना, अब हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये डले पर्चे सही है गुरु जी। ये सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं, आप भजन करो, धाम आओ, हम विधि करेंगे, टोटका कट जाएगा, आगे भविष्य आपका उज्जवल है, तंत्र कटेगा, आप पूर्णतया स्वस्थ रहेंगी बहना, और कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, आज ही प्रेतराज सरकार के दरबार में हम उपाय करेंगे। जय सियाराम। जय सियाराम। परिवार भी पीछे लगा, परिवार यहां से विवाह के कारण ईर्ष्या, छोड़ो, अब हम कुछ बताएंगे तो आप दोनों अलग हो जाओगी, इसलिए हमारे ना बताने में ही फायदा है, हमको ऐसा हमारे गुरुजी ने कहा। हमारी अभी आज्ञा नहीं है, आप अपने पति से अलग नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी और परिवारजन तुम्हारे बहुत परेशान हैं और दिन ना रात इस बात को लेकर के रोते रहते हैं, इसलिए हम ऐसी कोई आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि हम किसी का घर बर्बाद करने नहीं बैठे हैं, जोड़ने बैठे हैं। तो हमें अपनी सीमा पता है कि हमें किस सीमा तक जाना है, किस हद तक बताना है, हमें ये पता है, इसलिए हम आपके और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग प्रकट ना करके एक शब्द में ये जवाब दे रहे हैं कि आप बहुत विनम्र हो, अपने जीवन को संभालो और अपने जीवन को ठीक लेकर के चलो, गृहस्थ जीवन को ठीक लेकर के चलो, भक्ति भी करो, प्रेत बाधा के लिए हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन पूर्ण समर्पित भी हो, आप अभी तक समर्पित नहीं हो पाए गृहस्थ जीवन के प्रति, आप पूर्ण समर्पित हो, हनुमान जी दया करेंगे बहना, और जो भी तंत्र मंत्र वो हम पे छोड़ो, हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे, आशीर्वाद। अब तो नहीं है संदेह, चलो मेरी बहना खुश रहो, एकदम सही, खुश हो अब तुम, अब तुम रोना नहीं, अब तुम रोना नहीं, हम कर देंगे उपाय, बैठो आप। नहीं नहीं, प्रणाम नहीं हम करवाते, हमारा नियम है बहना, हम प्रणाम दूर से प्रणाम। सीताराम, आप बैठो बहना वहां, हम अभी सरकार का दरवाजा, आपके ठाकुर जी वहां है पंडित जी के पास, अगला नंबर भेजिए। बोलो जय सियाराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। पागलो, और पंडित आप प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पर भी आएंगे। हाँ, 21 पेशी का करना है, उसको नहीं छोड़ना पूर्णतया, नहीं तो कट नहीं पाएगा। रुक रुक के आ सकते 6 महीने। अच्छा, अभी फरवरी में 10 फरवरी को शनिवार पड़ रहा, अब मंगलवार को प्रेतराज सरकार का दरबार नहीं लगता है, शनिवार को लगता है, पूरा दिन प्रेतराज का उसमें लाना है। ठीक, कहां से? डोंगरगढ़। नौधाला सुन भाग है। अच्छा, हम कछु बता रहे थे, कोई बात नहीं, अब हम बाद में बताएंगे। डोंगरगढ़ में कहाँ रहती? रेलवे कॉलोनी। वो अभी जो माता जी गई हैं वो कहाँ हैं? एक मिनट बुलाना जरा। माता जी वहीं से सुन लो, वो एक बात बताना भूल गए, बाद में हमारे पास जानकारी आई समझा, वहीं से सुन लो। वसीकरण वाली आपने कोई अर्जी लगाई होगी वो सत्य है, बस इतना बताना। वसीकरण वाली कोई आपने अर्जी लगाई होगी वो सत्य है, इतना हमें बाद में बताया गया, वो हम आपको कंफर्म करना चाहें। वसीकरण सही है, राम। हाँ, क्या समाधान चाहते हैं? बिना माइक के, हम भी बिना माइक के। दर्शन करवाओ तब कहेंगे आशीर्वाद। बागेश्वर, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, क्रिकेटर ही बनना चाहता है, इसलिए हमें अभी समय दीजिएगा, क्योंकि उसका ज़्यादा इतना भाग्य नहीं है कि वो क्रिकेटर बन पावे, इसलिए हमको 15 से 20 दिन का समय दें,
हम अपने पहले गुरुजी सन्यासी बाबा से और चर्चा करेंगे, दोबारा अर्जी डालेंगे, कोई रास्ता बता दें तो हम हाँ बोलेंगे। बाकी जो पहली अर्जी पंचम वाली, वो अर्जी हम पूरी करवाएंगे, आप चिंता ना करो। और दूसरी बहन वाली अर्जी भी पूरी करवाएंगे, जो पागलपन है उनके पति को, उन पर टोटका है, प्रेतराज सरकार के दरबार में आपको बैठवाना है, बस बाकी शेष चर्चा धाम। यस, आशीर्वाद। ठीक बहन, धाम की जय, जय हो, जय श्री राम। चलिए, इनकी अर्जी के बाद अगली अर्जी, एक तो वो बालक को भेजो जो बैग लेके जा रहा था,